नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज रक्षाबंधन का दिन है और रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे देश में रक्षाबंधन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो कैसे मनाया जाता है मैं आपको बोल के नहीं बतलाऊंगा, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से मनाया जाता है। तो अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे है आकाश, कहाँ गया आकाश, हाय करो। और यहाँ पे है रिया जो आकाश को राखी बांधेगी, और उसकी मम्मी यहाँ पे है। यहाँ पे अभी दीपक जलाया जा रहा है। और दीपक जल गया है यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या चीजें होता है, सबसे पहले तिलक लगाया जाता है। ये तिलक लग गया है, उसके बाद तिलक में जो है चावल चिपकाया जाता है। ये तिलक लगाने का भारतीय संस्कृति है। उसके बाद आरती दिखाया जाता है। अब जो है ये राखी है, इन लोगों ने कल ही जाके मार्केटिंग किया है। मैं उस समय नहीं था, ट्यूशन में गया हुआ था, तब तक इन लोग जाके पता नहीं कितना कुछ खर्च कर दिए। अब उसकी गिनती तो मैं नहीं करूँगा, फिलहाल जो हो रहा है ये एक शुभ काम के लिए हो रहा है, इसीलिए उसकी गणना नहीं करना, उसकी गिनती नहीं करना है। और राइट हैंड में बांधा जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार राइट हैंड में। रक्षाबंधन का त्योहार जो मनाया जाता है हम लोग के देश में, इसके पीछे कई सारी पौराणिक कहानियां हैं। उन कहानियों में एक हुमायूं से संबंधित कहानी है, आप लोग पढ़े होंगे। इसके अलावा इंद्रदेव से संबंधित कहानी है, तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग को इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा इस कहानी का, या फिर यूट्यूब पे कई सारी कहानियाँ ऐसा होगा। और मिठाई खिलाया जाता है। अभी टाइम लगभग 9 बज चुका है, तो इतने देर तक इन लोग भूखे थे, कुछ खाए नहीं थे। वैसे रोज़ सवेरे 8 बजे स्कूल रहता है, उससे पहले ही लोग खा लेते हैं, लेकिन अभी तक नहीं खाए हुए थे। कौन सी मिठाई है, कैसा लग रहा है बाबू, मीठा अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है पूरा। हो गया, ये होता है रक्षाबंधन का त्यौहार। और अंत में भाई जो होता है कुछ गिफ्ट देता है दोस्त को, तो उस हाथ से राइट हैंड राइट। क्या है देखते हैं गिफ्ट में, आकाश के पास क्या है, ये देखिए कितना मिला, कितने मिले मतलब 500 है, उसमें से कुछ हमको मिल जाएगा। चलिए आज मैं फिर अभी लेके चलूंगा। ठीक हो गया। तो आज मैं आप लोगों को, अभी मैं अपनी दीदी से बनवाने के लिए जा रहा हूँ राखी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, फिर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ और आगे दिखाऊंगा।